शुक्रवार को मंडी में हिमाचल प्रदेश बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के राज्य स्तरीय चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री NR ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के चुनाव सम्पन्न हुए। इन चुनावों में प्रदेश भर के लगभग 200 बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चुनावी प्रक्रिया में सर्वसम्मति से हमीरपुर से मिलाप शर्मा को प्रदेशाध्यक्ष चुना गया, वहीं सुरेश चंदेल को महामंत्री के रूप में चुना गया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मिलाप शर्मा ने कहा कि वे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री NR ठाकुर के साथ मिलकर पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्मचारियों के हित में कार्य करेंगे। बहुत सारे जो कर्मचारियों की समस्या हैं उनको निपटाने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, और मैं आज इस मंच से यहाँ जितने भी उपस्थित हमारे कर्मचारी हैं सभी जिलों से आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अपना कीमती समय इस महासंघ को आज दिया और आज यहाँ पे नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। मैं भाई NR ठाकुर जी जो पिछले 29 वर्षों से इस महासंघ का नेतृत्व करते आए हैं उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहेगा, सहयोग भी हमें मिलता रहेगा मैं उम्मीद करता हूँ, और उनकी ही इस सब छत्रछाया में हम लोग आगे बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार के साथ उठाएंगे। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री NR ठाकुर ने कहा कि उन्होंने लगभग 28 वर्षों तक महासंघ का नेतृत्व किया और कर्मचारियों की आशाओं और उम्मीदों के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी महासंघ में नए कर्मचारी नेता चुनकर आगे आ रहे हैं ताकि कर्मचारियों की मांगों को सरकार के समक्ष रखा जा सके। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हिमाचल प्रदेश बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ की नई स्टेट कार्यकारिणी कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। और आज के चुनावों में मिलाप शर्मा जो हमीरपुर से उनको अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है और जो सुरेश चंदेल जी हैं वो महामंत्री बनाए गए हैं बिलासपुर से हैं, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर आत्मा राम जी जो सोलन से उनको ये जिम्मेवारी दी गई। इसी तरह से जो दूसरे हमारे वित्त सचिव हैं संजीव कतना जी हैं वो हमीरपुर से, तो ये लोग हैं बहुत लंबी लिस्ट है हमारे 12-13 पदाधिकारियों की, तो सारे लोग सर्वसम्मति से चुनाव हुआ, कोई कॉन्टेस्ट नहीं और किसी तरह की कोई अनुशासनहीनता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, KCNR।